varón que va a querer comprender que... अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ लाली और लाली के झामे फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो आप सभी को आज 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद है। आप लोग भी बहुत ही अच्छी तरीके से 15 अगस्त मनाइए, बहुत ही शांति तरीके से मनाइए, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत ही अहम है। और ये है मेरे साथ में शाइमा, और अभी फ़िलहाल हम लोग हैं सैंडिस कंपाउंड में। तो फिर चलिए और फिर चल करके आगे और यहाँ देखते हैं कि आगे और यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिर बस बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं पूरा व्यू कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे तो लग रहा है कि मैं बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट टाइम पे मैं आई हूँ, क्योंकि पिछले साल मुझे लेट हो गया था। एंड फ्रेंड्स, ये है मेरी आज की आउटफिट। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की आउटफिट कैसी लग रही है। तो आज भी ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मस्ती भरा होने वाला है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किड्स प्ले एरिया के पास में कितनी ही ज़्यादा भीड़ है। सो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राउंड के पास में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग सारी तैयारियाँ हो चुकी है, और कुछ ही देर में यहाँ पे झंडा फहराया जाएगा। और अगर आप देखेंगे चारों तरफ तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आपको ये पूरा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि हमारे भागलपुर में ये सैंडिस कंपाउंड एक ऐसा जगह है जहाँ की हर साल झंडा फहराया जाता है, और यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग भी आते हैं यहाँ देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, तो फाइनली ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें तैयारी हो चुकी है, और कुछ ही देर में यहाँ पे झंडा फहराया जाएगा, और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो आप बस बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में, आपको बहुत ही अच्छा ये ब्लॉग लगने वाला है हर ब्लॉग की तरह। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हर एक छोटी से छोटी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी मेरे ब्लॉग में। तो उस अपडेट्स को जानने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, तो फाइनली यहाँ पे झंडा फहराया जा चुका है, और कितने लोग मेरी इस वीडियो को भागलपुर से देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में भागलपुर ज़रूर लिखिएगा, और आप बताइएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। और जो लोग भागलपुर से बाहर के देख रहे हैं तो वो लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि वो लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरी बस एक छोटी सी कोशिश रहती है कि भागलपुर की चीज़ों को मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, आप लोगों को मैं दिखा सकूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भागलपुर से बाहर रहते हैं, वो भागलपुर की चीज़ों को देखना चाहते हैं। तो मेरी बस ये एक छोटी सी कोशिश रहती है उन्हें हर चीज़ दिखाने की। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, भीड़ यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे झंडा फहराने के बाद आप देख सकते हैं कि सारे लोग अंदर की तरफ आ करके देख रहे हैं। और अब मैं आपको नज़दीक से मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरा व्यू, क्योंकि उस टाइम में अंदर आने का अलाउ नहीं था, बट अभी जब झंडा फहराया जा चुका है तो यहाँ अंदर आ करके सारे लोग देख सकते हैं नज़दीक से। और ये मैं आपको पूरा व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर 15 अगस्त मनाया जाता है। एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी स्कूल की बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी आते हैं यहाँ पे 15 अगस्त को मनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ से फाइनली अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड आई होप कि मेरी इस वीडियो में आपने जो भी देखा आपको अच्छा लगा हो। तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं, फिलहाल हम लोग बाहर की तरफ हम लोग निकल रहे हैं। कुछ तो यूनिक बनाया होगा, चलो इधर से आते हैं चक्कर मार के। फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, और यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा। तुमको कैसा लगा? बहुत
बहुत अच्छा लगा, तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आकर के। और आप लोगों ने 15 अगस्त किस किस तरीके से मनाया प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, मुझे जाकर के वहाँ भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की हर एक न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक अच्छे से प्यारे से एक बहुत ही स्वीट से ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, और अपना ख्याल रखिएगा।